गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का बैंक प्रो यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। जी हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ, मेरी आवाज वगैरह अगर आप सभी तक क्लियर पहुंच रही तो एक बार यहां से कंफर्मेशन दें, एम आई ऑडिबल और विजिबल। गुड मॉर्निंग पिंकी, नीतू, पूनम, साहू, एस एस साहू, मनीष, सुजाता, नेहल, पद्मावती, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15th और 16th अक्टूबर। कल आपका करंट अफेयर्स ना होके कल वीकली हुआ था, सो 15th और 16th अक्टूबर का करंट अफेयर्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, डेली करंट अफेयर्स सेशन कैसे रहेगा, मोटिवेशनल कोट से सेशन स्टार्ट होगा और उसके बाद में हम लोग वन लाइनर एमसीक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज के बाद में वन लाइनर और फिर हम चलेंगे डिटेल करंट अफेयर्स की तरफ। सेशन के लास्ट में आपका स्टैटिक अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं 10, उसके बाद में आपको बैंकिंग का क्विज जो है वो देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो आपकी स्क्रीन पे है, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हों। जो आपके बहाने होते हैं कि आज इस वजह से नहीं पढ़ पाए, आज इस वजह से ये नहीं कर पाए, आज इस वजह से मॉक नहीं दे पाए, आज इस वजह से जो है ये क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो जब आपके बहानों से बड़ी आपकी जो सपने होते हैं कि आपको करना ही करना है हर हाल में, तो फिर वहां पे सफलता तभी मिलती है, सफलता तभी मिलती है। चलिए बात करेंगे। तो ये कोर्स जो है रनिंग में है इस टाइम, कंप्लीट बैच है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, बहुत शानदार बैच है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये आपके लिए करंट अफेयर्स का बैच है, ये भी 2 पीएम पे क्लास चल रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। तो ये आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ में आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग तपस। चलिए, आर के वाई टी 10 रेफरल कोड याद रखिएगा, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और डिस्काउंट भी लेना चाहते हैं तो आर के वाई टी 10 रेफरल कोड का यूज जरूर करें। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में हम लोग बात करेंगे जो कल डिटेल में हमने पढ़ा था उसके एमसीक्यूज के। तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे जो है, विश्व गठिया दिवस जो है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, विश्व गठिया दिवस जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो करेक्ट आंसर की बात करें 12th अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे जो है वो आपका 12th अक्टूबर को एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, ऑन विच डे इज ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें तो 11th अक्टूबर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11th अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। थीम याद रखिएगा, माई वॉइस और माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर, ये इस बार का थीम था, ये इस बार का थीम था, My voice are equal future, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डे इज ऑब्जर्व वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी? मृत्यु दिवस के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? मतलब आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी, ये जो डे है आपका ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो सी करेक्ट आंसर होगा, 10th अक्टूबर को, 10th अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी, ठीक है। इस बार का थीम क्या था इसका? तो एक्सेस टू काउंसिल, अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ, ये 18th एडिशन इस डे का हुआ था और इस बार का थीम जो था एक्सेस टू काउंसिल, अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ, ये इस बार का थीम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि फॉरेन सर्विस डे, इंडियन फॉरेन सर्विस डे जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? भारतीय विदेश सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारतीय विदेश सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, 9th अक्टूबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इंडियन
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस डे, ठीक है, 9th अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। IFS डे 9th अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो करेक्ट आंसर की बात करें, ए करेक्ट आंसर होगा, 5th अक्टूबर से 11th अक्टूबर तक हम लोग ये वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक कब से कब तक ऑब्जर्व किया जाता है, 5th अक्टूबर से 11th अक्टूबर तक ऑब्जर्व किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन प्लेयर कार्लटन चैपमैन हु हैज डाइड रिसेंटली वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। भारतीय खिलाड़ी कार्लटन चैपमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे थे, फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। ये जो फोटो में आप देख रहे हैं कार्लटन चैपमैन है, और ये फुटबॉल से इंडियन इंडियन फुटबॉलर कैप्टन थे, ये आपके इंडियन फुटबॉलर कैप्टन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका राजन नागेंद्र डो पास जबे राजन नागेंद्र जो है इनका हाल ही में निधन हुआ है। ही बिलोंग विच फील्ड, ये किस फील्ड से थे राजन नागेंद्र जी। तो करेक्ट आंसर म्यूजिक कंपोजर थे। क्या थे, म्यूजिक कंपोजर थे ये, ठीक है। ये फोटो में आप देख रहे हैं ये कन्नड़ म्यूजिक कंपोजर थे राजन जी, ठीक है, जिनको हम राजन नागेंद्र के नाम से ये फेमस थे। चलिए बात करेंगे सावित्री वैथी। सावित्री वैथी इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, और ये किस ये क्या थी या किससे रिलेट करती थी। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा, फिलेंथ्रोपिस्ट थी, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा। रिनॉन फिलेंथ्रोपिस्ट एंड सोशल वर्कर सावित्री वैथी, ये कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी डेथ हुई है, तो ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट हैज साइन, किस स्टेट ने साइन किया है यहाँ पे 14 MOU फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट 10,055 करोड़ का। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा, जिसने 10,055 करोड़ के औद्योगिक निवेश के लिए किस राज्य जो है तमिलनाडु ने 14 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, 14 MOU साइन किए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें आपके 7,000 persons जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर वर्क ऑन ऑक्शन थ्योरी। निम्नलिखित में से नीलामी सिद्धांत पर यानी कि ऑक्शन थ्योरी पर काम करने के लिए किस इकोनॉमिस्ट को जो है नोबेल प्राइज दिया गया है, किस को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया गया है, इकोनॉमी में नोबेल प्राइज दिया गया इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो पॉल आर मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों लोगों को जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया है, किसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे विच कंट्री हैज अनवील्ड मॉन्स्टर न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एट परेड। किस कंट्री ने अनवील किया है मॉन्स्टर का, मॉन्स्टर जो है बैलिस्टिक मिसाइल किस कंट्री ने किया है। नॉर्थ कोरिया ने, सी करेक्ट आंसर होगा। किसने किया है, किस कंट्री ने मॉन्स्टर बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो आपका अनवील किया है परेड में। सो आंसर आपका नॉर्थ कोरिया करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, नॉर्थ कोरिया करेक्ट आंसर होगा। ये फोटो में आप देख रहे हैं, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है, सेम ऐसे ही पूछा जा सकता है आपसे, या तो पूछ लेगा कि मॉन्स्टर किस कंट्री का बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो सेम वही है कि अनवील किया है, तो नॉर्थ कोरिया करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द मोस्ट कवेटेड ट्रॉफीज और बेस्ट शिप अमंग कैपिटल शिप्स वॉज अवॉर्डेड टू विच शिप इन द फ्लीट अवॉर्ड फंक्शन 2020। राजधानी जहाजों के बीच बेस्ट शिप की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फ्लीट अवॉर्ड फंक्शन 2020 में किस जहाज से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, ए होगा INS सह्याद्री, INS सह्याद्री, ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका, हु वन द 2020 आईफल ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड इन जर्मनी। जर्मनी में आयोजित 2020 आईफल ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? जी हाँ, गुड मॉर्निंग प्रीति, बताइए। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो सी होगा, लुइस हैमिल्टन है। सी करेक्ट आंसर होगा, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन इक्वल माइकल स्कमचर रिकॉर्ड 91 फॉर्मूला वन विंस एट फ्रेंटिक आईफल ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हु वन फ्रेंच ओपन 2020 मेंस टाइटल। फ्रेंच ओपन 2020 मेंस टाइटल किसने जीता है? तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, बी होगा, राफेल नडाल ने। किसने जीता है? राफेल नडाल ने, ठीक है। ये पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगाई हुई है, तो विनर जो है राफेल नडाल रहे हैं। नोवाक जोकोविच वो आपके रनर अप रहे हैं, इनको डिफीट किया है राफेल नडाल ने। वो विमेंस सिंगल्स में भी है, मेन सिंगल्स में भी, वुमेंस मेंस डबल, वुमेंस डबल, मिक्स डबल्स, ये सारी लिस्ट आपके सामने मैंने जो है दी हुई है। तो उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इंडिया इज लाइकली टू ओवरटेक विच कंट्री एज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाई 2050 अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश इन द मेडिकल जर्नल लैंसेट। मेडिकल जर्नल कंसेट जो है मैं प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 2050 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे निकल कर आएगा। तो ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा पब्लिश करी गई है? तो पब्लिश करी गई है आपकी मेडिकल जर्नल लैंसेट में, ठीक है। सो इसका उसमें पब्लिश करी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका बी जापान जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओवरटेक किसको करेगा, किस कंट्री को ओवरटेक करेगा? तो जापान को, जापान को। नेक्स्ट आपका, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव कंप्लीटली डिजिटल हाईटेक क्लासरूम्स इन ऑल पब्लिक स्कूल्स? जी हाँ, गुड मॉर्निंग खुशी। चलिए, कौन सा राज्य सभी पब्लिक स्कूलों में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? बताइए आंसर। करेक्ट आंसर सी होगा, केरला। कौन सा राज्य बना है, कौन सा स्टेट बना है? केरला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, केरला करेक्ट आंसर होगा। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज 100 कमेमोरेटिव कॉइन इन ऑनर ऑफ विजय राजे सिंधिया? निम्नलिखित में से किसने विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये किसने किया है? आपका सी करेक्ट आंसर होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है, गुड। राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया 44 ब्रिजेस इन विच स्टेट? किस स्टेट में 44 ब्रिजेस जो है वो राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट करे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, अरुणाचल प्रदेश में किए हैं। कहाँ किए हैं? अरुणाचल प्रदेश में किए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एंड साथ ही साथ में इन्होंने लेड ऑफ फाउंडेशन स्टोन भी किया था, मतलब आधारशिला भी रखी थी नेची फू टनल की अरुणाचल प्रदेश में। सो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, न्यू परमिनल बूडी हर्ब स्पीसीज स्पॉटेड इन विच स्टेट? नई बारहमासी जड़ी बूटी, बूडी जड़ी बूटी जो है वो किस राज्य में देखी गई है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा, केरला में देखी गई है। कहाँ देखी गई है? केरला, ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा, केरला। नेक्स्ट है आपका, द 16 ईयर ओल्ड आवा मूर्तो वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर अ डे? 16 वर्षीय एवा मूर्तो को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक दिन के लिए नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, फिनलैंड करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, फिनलैंड, ठीक है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, फिनलैंड करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। Who has been appointed as the new director at BEML? Rail and Metro Business में जो है वो BEML में Rail and Metro Business के लिए नए director कौन appoint किए गए हैं? अमित बनर्जी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? अमित बनर्जी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बहुत खूब।
डेली करंट अफेयर्स के ऑनलाइनर्स जो हैं आपकी स्क्रीन पे है। नेशनल पोस्टल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं विच, और ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे जो है वो 2nd सैटरडे ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और यहाँ पे क्या किस किसके लिए इनको जो किस फील्ड के लिए जो है नोबेल प्राइज दिया गया है, नोबेल लॉरिएट को एंड मारियो मोलिना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। ठीक है, किसके लिए? नोबल लॉरिएट नोबल लॉरिएट है मारियो मोलिना। ये मैक्सिको से, सॉरी, ये मैक्सिको से थे, इनका हाल ही में निधन हुआ था। सो इनको किस फील्ड के लिए अवार्ड दिया गया था? तो आंसर जो होगा इसका, केमिस्ट्री के लिए इनको नोबल दिया गया था। नेक्स्ट है आपका एडिबेन हेलेन हैज पास्ड अवे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ही बिलोंग विच प्रोफेशन? तो गिटारिस्ट करेक्ट आंसर होगा, गिटारिस्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नाबार्ड ने 3 MOU साइन किए हैं किस बैंक के साथ में किए हैं? एक्सटेंड क्रेडिट सपोर्ट के लिए गुजरात के लिए, तो आंसर होगा SBI के साथ में किए। ठीक है, किसके साथ किए हैं? SBI के साथ किए हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका पोएट नित्यानंद नायक टू रिसीव विच प्राइज? ये आपकी स्क्रीन पे है कि सरला पुरस्कार जो है इनको दिया गया था। नेक्स्ट आपका दिया गया है एंड द नेम द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल विच वाज रिसेंटली टेस्ट फायर बाय DRDO। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? रुद्रम करेक्ट आंसर होगा। ये सब मैं आपको MCQs में करा चुका हूँ, ये सब मैं आपको MCQs में करा चुका हूँ। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स की, डिटेल करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे भारत पे ने लॉन्च किया है नया ब्रांड कैंपेन, 11 टीम क्रिकेटर्स जो टीम क्रिकेटर्स के साथ में एज ब्रांड एम्बेसडर। तो जो आपका भारत पे है इसने अनाउंस किया है टीवी कैंपेन टीम भारत पे जो है करके, एंड 11 क्रिकेट स्टार्स जो है इस टीम में इस कैंपेन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैसेज क्या जाएगा, तो मैसेज आने वाला है हम है टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ हैं खड़े। ठीक है, तो ये मैसेज है, ये जो मैसेज है ये आपका डिलीवर किया जाएगा पब्लिक में, जैसे दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, है ना? तो वो भी एक मैसेज ही था उसका, वैसे ही ये भारत पे का मैसेज है, हम हैं टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ हैं खड़े। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें इस टीम में, में कौन कौन है, तो रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह, KL राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल एंड शुभमन गिल। ये सभी जो है ये क्रिकेटर्स आपके इस टीम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये फोटो में आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका सैलो ग्रुप ने साइन किया है अमिताभ बच्चन जी के साथ में ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। ठीक है, द हिंदू का न्यूज है। सैलो ग्रुप ने जो है यहाँ पे क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन जी के साथ में ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। तो सैलो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? अमिताभ बच्चन जी बनाए गए हैं, अमिताभ बच्चन जी बनाए गए हैं। एंड ब्रांड जो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस पार्टनरशिप का, एनहेंस करना एंड बिल्ड करना कंज्यूमर्स कनेक्ट को अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स एंड टू स्ट्रेंथन इट्स मार्केट प्रेजेंस। ठीक है, तो वही चीज है कि कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को लेके आना, मतलब जब भी आपको कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है तो उसके फेस के वैल्यू, उसके फेस वैल्यू के बेस पे हम काफी कस्टमर्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। चलिए, तो सैलो के लिए यहाँ पे कौन अमिताभ कौन ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो वो आपके अमिताभ बच्चन जी बनाए गए हैं। ये लिस्ट है आपके सामने, ये लिस्ट जो है इम्पोर्टेंट रहेगी रिवीजन के लिए आपके लिए, तो यहाँ से रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिल्कुल इजी हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें डिजिटल हेड जो है वो आपके बनाए गए हैं राहुल परीख जी बंधन बैंक में, डिजिटल हेड टू स्पेयर हेड डिजिटल बैंकिंग बिजनेस के लिए। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर वेदांतु के कौन बनाए गए हैं? आमिर खान जी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लाइक आपका दिशा पटानी मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गए हैं, है ना? एंड रिंकी सेठी ट्विटर की चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर अपॉइंट करी गई हैं।
वही अगर हम सीएफओ की बात करें तो वो अपॉइंट किए गए हैं एसबीआई में सुरेंद्र सिंह अठरा। एंड यहीं पे एक है और आपका एसबीआई का जो है वो नहीं है, ठीक है चलिए, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूज की, यूपी की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया है मिशन शक्ति फॉर वुमेन इन नवरात्रि। तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, इन्होंने अपकमिंग जो आपका नवरात्रि फेस्टिवल आने वाला है, इसमें वुमेन सेफ्टी के लिए, उनकी डिग्निटी, उनके एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च किया है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति 17 अक्टूबर को ये लॉन्च किया जाएगा आपका। द इनिशिएटिव जो है वो आपका शारदीय नवरात्रि में स्टार्ट होगा एंड नेक्स्ट 6 मंथ तक ये चैत्र नवरात्रि अप्रैल तक जो है वो ये चलेगा। ये जो इनिशिएटिव है ये आपके शारदीय नवरात्र से अभी 17 अक्टूबर से स्टार्ट होके नेक्स्ट 6 मंथ तक जो है वो अप्रैल नवरात्रि चैत्र नवरात्रि तक जो है वो चलेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें स्टैटिक की, तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है और आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, कैपिटल जो है वो लखनऊ है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है पेप्सिकोज को 814 करोड़ का पोटेटो चिप्स प्लांट के लिए मथुरा में, ठीक है। जनरेट किए जाएंगे यहाँ से 1500 जॉब्स। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी जो जो आपकी एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है पेप्सिको, तो पेप्सिको यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है पेप्सिको को, और जो कि करीब करीब आपके 814 करोड़ का जो है ये प्लांट, पोटैटो चिप्स प्लांट जो है वो लगाया जाएगा कोसी मथुरा में। कहाँ पे? कोसी मथुरा में लगाया जाएगा, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे आपकी जनरेट की जाएंगी 1500 पीपल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा। एंड यहाँ पे जो आपका यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसने एलोकेट किया है, अलॉट किया है 36 एकड़ ऑफ लैंड इसको पैप्सिको इंडे पैप्सिको उसको, ठीक है पैप्सिको उसको। चलिए पेप्सिको की बात करें, अहमद अल शेख जो है वो यहाँ के इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, सीईओ है रेमन लगवाटा। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है एंड फाउंडर जो है केलेब ब्रादम है, ब्रादम, ठीक है ये याद रखिएगा। अगला है आपका डीपीसीसी यानी कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है उसने क्या किया, उसने बैन किया है डीजल जनरेटर को। डीजल जनरेटर को दिल्ली में आपका बैन किया गया है इन दिल्ली फ्रॉम अक्टूबर 15 से लेके टू कर्व एयर पॉल्यूशन। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने एक डायरेक्शन जारी किया है जिसमें बैन किए गए वो सभी जनरेटर जो डीजल से चलते हैं। डीजल जनरेटर जो है वो यहाँ पे बैन किए गए हैं नेशनल कैपिटल में और ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंडर में। किसके अंडर में ये बैन किए गए हैं? तो ये आपके ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान में बैन किए गए हैं, ठीक है ये याद रखिएगा। ग्रेप में ये बैन किए गए हैं और ग्रेप इज अ सेट ऑफ एंटी पॉल्यूशन मेजर्स। ग्रेप जो है एक एंटी पॉल्यूशन मेजर्स जो है इसमें सेट किए गए हैं दिल्ली के लिए, कम इनटू फोर्स इन दिल्ली एंड इट्स विसिनिटी टाउन्स अकॉर्डिंग टू द सेवर्टी ऑफ द सिचुएशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रेप्स के अंडर में यानी कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंडर में आपके डीजल जनरेटर जो है वो बैन किए गए हैं इंडिया सॉरी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के द्वारा ये डायरेक्शन जो है वो इशू किए गए हैं, ये आप याद रखिएगा इतना। न्यू दिल्ली की बात करें तो अनिल बैजल जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं और अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं। सॉरी नेक्स्ट है आपका वाटर टैक्सी सर्विस टू बी लॉन्च इन अलापुजा। अलापुजा जो आपके चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन हैं, इन्होंने ये लॉन्च करेंगे, विल लॉन्च वाटर टैक्सी सर्विस लॉन्च करेंगे स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा अलापुजा में, ठीक है याद रखिएगा। इस बोट की बात करें तो इसमें 10 पैसेंजर्स जो है वो आपकी कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी इस बोट की, और यहाँ पे 750 जो है टैरिफ जो है इसका चार्ज जो है वो फिक्स है, 30 मिनट का 750 रुपये जो है इसके चार्ज है, इसकी इसका रेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे केरला की, तो आरिफ मोहम्मद खान जो है गवर्नर है, पिनाराई विजयन चीफ मिनिस्टर, ये आप देख रहे हैं, ये आपके क्या बोलते हैं इसको, वाटर टैक्सी है, ये वाटर टैक्सी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन सुजल। तो जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, ये लॉन्च किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के उड़ीसा के द्वारा, सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, ठीक है, प्रोवाइड करने के लिए क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर को फिट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन फ्रॉम द पाइप ओवर 15 लाख पीपल इन 15 टाउन्स। तो 15 टाउन्स के अंदर में 15 लाख लोगों तक वाटर जो है पहुंचाया जाएगा, वो भी क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर होगा। वो किस मिशन के अंदर में पहुंचाया जाएगा, तो सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, ये इस इनिशिएटिव का, ये इस मिशन का नाम है, और इसमें आपके 15 लाख पीपल जो है वो आपके बेनिफिटेड होने वाले हैं, उन तक ये क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर जो है, एक स्वच्छ जल जो है वो पहुंचेगा, ठीक है। एंड अगर हम बात करें, ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्च किया गया है भुवनेश्वर और पुरी में, जिसमें 1.80 लाख पीपल जो है वो बेनिफिट हुए हैं इस इनिशिएटिव के अंडर में। एंड भुवनेश्वर इज द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री ओवर 10 लाख पॉपुलेशन टू हैव 100% पाइप वाटर फैसिलिटी। एंड ये जो है आपका कंट्री का फर्स्ट सिटी है भुवनेश्वर, जहां पे 10 लाख पॉपुलेशन है, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, और 100% पाइप वाटर फैसिलिटी जो है वो आपकी पहुंच चुकी है, वो आपकी यहाँ पे पहुंच चुकी है। एंड बाई मार्च 2026 एंड हाउस होल्ड इन ऑल अर्बन एरियाज विल हैव पाइप वाटर कनेक्शन। तो अगर हम उड़ीसा की बात करें, तो यहाँ पे गणेशी लाल गवर्नर है और नवीन पटनायक जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। याद रखिएगा, हिंदी वाले यहाँ से हिंदी में कर लेंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बाइलिंगुअल मटेरियल आपको मिल जाएगा। इंटरनेशनल न्यूज की अगर हम बात करें तो रशिया ने यहाँ पे अप्रूव किया है सेकेंड कोरोना वायरस वैक्सीन आफ्टर अर्ली ट्रायल्स। तो रशिया के द्वारा यहाँ पे सेकेंड जो है वो COVID-19 की वैक्सीन जो है वो आपकी अप्रूवल उसको दिया गया है। नाम क्या है वैक्सीन का, तो एपीवैक कोरोना इस वैक्सीन का नाम है। एंड ये डेवलप की गई है वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर के द्वारा, ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, एपीवैक कोरोना वैक्सीन को, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपकी रशिया की सेकेंड COVID-19 वैक्सीन है, ठीक है। बात अगर हम करें यहाँ पे, तो रशिया जो है फर्स्ट कंट्री बन गया है गिव रेगुलेटरी अप्रूवल टू COVID-19 वैक्सीन इन अगस्त, व्हेन स्पुतनिक वी वाज ऑफिशियली रजिस्टर्ड अहेड द लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रशिया की बात करें, मॉस्को कैपिटल है, रूबल करेंसी है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो यहाँ के प्रेजिडेंट, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान जो है वो आपका रीइलेक्ट किया गया है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए। तो पाकिस्तान की बात करें, इसको रीइलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए, डिस्पाइट अपोजिट फ्रॉम एक्टिविस्ट ग्रुप एवर इट्स एबिस्मल ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, पाकिस्तान जो है वो आपका रीइलेक्ट किया गया है किसमें, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में, ठीक है, UNHRC में, याद रखिएगा। एंड अमंग द फाइव कैंडिडेट जो है वो उसमें थे एशिया पैसिफिक रीजन से, वोटिंग 4 सीट्स इन द यूएन प्रीमियर ह्यूमन राइट्स बॉडी। पाकिस्तान ने यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स के साथ में अपना सीट जो है वो सिक्योर्ड किया है। पाकिस्तान जो है वो आपका बन गया है, बना था जब ये UNHRC का मेंबर, तो वो जनवरी 2018 से बना था, और अब ये कौन सी अब ये अगले जो है 3 सालों के लिए फिर से ये कंटिन्यू करेगा, और ये आपका 2021 तक जो है वो आपका इसका मेंबर रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जेनेवा स्विट्जरलैंड में UNHRC का हेडक्वार्टर है, एंड मार्च 2006 में इसको फाउंड किया गया था। एंड एलिजाबेथ टिची जो है वो इसके प्रेसिडेंट है, ठीक है। चलिए स्पोर्ट्स की बात करें, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने लॉन्च किया है नया मोटो। मोटो क्या है नया, इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर, ये नया मोटो है किसका, इंडियन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नया मोटो है। और मोटो क्या है आपका, इंडियन फुटबॉल
फॉरवर्ड टुगेदर, ये मोटो है। और मोटो बेस्ड होता है आपका प्रमोट करने के लिए, ग्रो करने के लिए एंड डेवलप द गेम फुटबॉल थ्रू आउट इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ फुटबॉल कम्युनिटी एंड क्रिएट सिनर्जी विद द कोर वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पेशन है ना, रिस्पेक्ट, लीडरशिप, टीम वर्क, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड इंक्लूसिविटी। तो ये सारे जो है, ये पॉइंट्स को टारगेट करते ही मोटो बनाया जाता है। अगर किसी भी कंट्री का किसी भी इंस्टीट्यूशन का मोटो बनता है, तो वो काफी चीजों पे डिपेंड होके बनता है, ठीक है, काफी चीजों पे। तो यहाँ पे अगर हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की भी बात करें, तो प्रफुल्ल पटेल जो है वो प्रेसिडेंट है, 1937 में इसको फाउंड किया गया था, 1937। नेक्स्ट है आपका एनआईटी तिरुचिरापल्ली साइंस एमओयू विद सी डीएसई पुणे फॉर इंस्टॉलिंग स्टेट ऑफ आर्ट सुपर कंप्यूटर। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, इसने साइन किया है एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ में। तो जो आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, इसके साथ में एक एमओयू साइन किया गया है, किसके द्वारा, नीट के द्वारा, नीट के द्वारा। तो नीट का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, तिरुचिरापल्ली के द्वारा यहाँ पे एक एमओयू साइन किया गया है सीडीएसी के साथ में। ये पुणे बेस्ड है, ये पुणे में है। और किस लिए किया गया, फॉर इंस्टॉलिंग अ स्टेट ऑफ आर्ट सुपर कंप्यूटर, एक इंस्टॉल करने के लिए आर्ट सुपर कंप्यूटर को, इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग पार्ट ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो याद रखिएगा ये कि आपका एनआईटी ने सीडीएसी के साथ में एमओयू साइन किया है, वो किस लिए किया गया है, तो वो आपका सुपर कंप्यूटर को स्थापित करने के लिए, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट डेज की बात करें, पहला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन जो है, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ठीक है। कब किया जाता है, तो 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर, ठीक है। थीम क्या था इस बार का, तो बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रिसाइलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19, ये इस बार का थीम था। अगला है आपका वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी पे इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं, कौन सा डे, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, ठीक है। 89th बर्थ एनिवर्सरी था इस बार का मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 14 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, ठीक है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम इस बार का क्या था, तो थीम जो है आपका वो प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स, ये इस बार का थीम था, ये इस बार का थीम था। इंटरनेशनल ई वेस्ट डे ऑब्जर्व ऑन 14 अक्टूबर। थर्ड इंटरनेशनल ई वेस्ट डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, थर्ड इंटरनेशनल ई वेस्ट डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 14 अक्टूबर 2020 को इसको ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। 14 अक्टूबर 2020 को इसको ऑब्जर्व किया गया है, ये याद रखना है। थीम इस बार का क्या था, थीम इस बार का क्या था, तो थीम जो था वो आपका इंटरनेशनल ई वेस्ट डे इज एजुकेशन, ये इस बार का थीम था, IEWD, ये इस बार का थीम रहा है, तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगी याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, कि वर्ल्ड साइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, थीम होप इज साइट। वर्ल्ड एग डे, विश्व अंडा दिवस, ये ईट योर एग टूडे एंड एवरी डे, ये इस बार का थीम था, 9 अक्टूबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। माइग्रेटरी वर्ल्ड वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे, तो इसको 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर में इस बार 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। तो वर्ड्स कनेक्ट आर वर्ल्ड, ये इस बार का थीम था, है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर, ये इस बार का थीम था इसका, ये ऑब्जर्व किया गया। आगे अगर हम बात करते हैं वहीं पे इंटरनेशनल कॉफी डे, इंटरनेशनल कॉफी डे आपका 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, कॉफी इज नेक्स्ट जनरेशन, इस बार का थीम था।
तो ये सारी चीजें आपको एक लिस्ट में वेल मैनर्ड तरीके से मिल जाएंगी। नेक्स्ट है आपका फॉर्मर न्यूजीलैंड जो है ऑलराउंडर जॉन आर रीड पासेस अवे 1992 की एज में इनकी इनकी डेथ हुई है। जॉन रिचार्ड रीड तो इनका निधन हुआ है हाल ही में। ये फॉर्मर न्यूजीलैंड के आपके टेस्ट प्लेयर थे, ऑलराउंडर टेस्ट प्लेयर फॉर्मर न्यूजीलैंड के जो है आपके जॉन रिचार्ड रेड जी, इनका हाल ही में निधन हुआ। तो क्वेश्चन आपसे या तो कंट्री से रिलेट करके पूछेगा या फिर इनका फील्ड पूछ लेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार के मिनिस्टर थे विनोद कुमार सिंह जी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। बिहार के मिनिस्टर थे विनोद कुमार जी, इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये फोटो में आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एमिनेंट कुचिपुड़ी एक्सपोनेंट शोभा नायडू जी का भी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, शोभा नायडू जी का भी हाल ही में निधन हुआ है। सी वॉज अ रिनॉन्ड कुचिपुड़ी परफॉर्मर। ठीक है, शोभा नायडू, ये 14 अक्टूबर को इनका निधन हुआ है हैदराबाद में, और इनको पद्मश्री भी 2001 में दिया गया था, ये फोटो में आप देख रहे हैं। ये शोभा नायडू जी, ये लिस्ट आपके सामने है कि कौन कब गया, मतलब कौन कब नहीं गया, कौन गया, किस फील्ड से था, किस स्टेट से था, तो वो सारी चीजें मिल जाएंगी, वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। लाइक अगर हम बात करें, हाजी हुसैन अंसारी माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर थे, झारखंड से थे। ये क्रिकेट बैट्समैन थे नजीब तरकई, ये अफगानिस्तान से। कांग्रेस लीडर थे नसीब पठान, ये यूपी से थे। ठीक है, हाँ, और मिष्टी मुखर्जी ये एक्टर थी, इनका हाल ही में निधन हुआ। तो ये तो लिस्ट हुई बात, ये तो बात कर ली हमने आपके ऑबिचुरीज की। अब हम बात करेंगे स्टैटिक अवेयरनेस की, जो कि बेस्ड है आपके करंट अफेयर्स के ऊपर। तो पहला सवाल है आपका, हु इज द एमडी एंड चेयरमैन ऑफ बीईएमएल। बीईएमएल के चेयरमैन और एमडी पूछे गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, डीके होता आपका सी करेक्ट आंसर होगा, डीके होता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिनलैंड का पीएम कौन है? फिनलैंड, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। तो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, सना मरीन, बी करेक्ट आंसर होगा, सना मरीन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द करेंसी ऑफ फिनलैंड? फिनलैंड की करेंसी पूछी गई है आपसे, तो फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो करेंसी है। क्या है? यूरो करेंसी है। नेक्स्ट है आपका, रेयर डिसीज डे जो है वो 2020 ऑब्जर्व किया जाता है किस डे को? दुर्लभ रोग दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका डी होगा, यानी कि 29 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, 29 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं आपके रेयर डिसीज डे को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हु इज द गवर्नर ऑफ केरला? केरला के गवर्नर पूछे गए, केरल के राज्यपाल कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो है वो केरला के गवर्नर है। नेक्स्ट है आपका, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा आपका, पेमा खांडू। पेमा खांडू बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, वेयर इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया? नॉर्थ कोरिया का कैपिटल पूछा गया है, नॉर्थ कोरिया का कैपिटल पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्योंगयांग। प्योंगयांग ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्योंगयांग ए करेक्ट आंसर होगा। एंड ये रनिंग में बैच है, मंडे टू सैटरडे क्लास रहता है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक कोड देने वाला हूँ, वो कोड आप डाल दीजिएगा, उससे आप ज्वाइन कर पाएंगे क्विज को। ठीक है, ये रनिंग में बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में ये बैच जो है ये भी रनिंग में है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं मई मंथ से लेके, और हम लोग कोशिश करेंगे इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कवर कर पाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है हम कवर कर लें करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज बेस्ड ही ये आपका क्लास रहता है पूरा। चलिए, बैंकिंग का क्वेश्चन होगा, कोड मैं आपको बता रहा हूं, तो वो आप डाल के ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, कोड नोट कर लीजिए आप सभी। फाइव जीरो वन नाइन वन सिक्स ये कोड है।
ठीक है, ये कोड है, ये आप सभी जो है वो टेस्ट सेक्शन में जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, कर लीजिएगा। खुशी 6 PM पे क्लास नहीं होता है, यही होता है, बाकी प्लस पे क्लासेस हो रही हैं। अच्छा, ये खुशी गुप्ता कानपुर वाली है, कहाँ थी इतने दिनों तक? चलो, RKYT10 ध्यान रखिएगा, है ना, ये आप ज्वाइन कर लीजिए। कल कल 6 PM पे क्विज हो, कल 6 PM पे क्लास होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू करूं मैं अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में भी, ठीक है, मैं कंटिन्यू करने का ट्राई करूंगा। चलिए, ये कोड डाल दीजिएगा, क्विज ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी, 501916 ये कोड है, अप्लाई करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, और फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।